मुद्रा योजना का भी जो नवीनीकरण है, मौजूदा इकाइयों को मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का लाभ दिए जाने का भी निर्णय कैबिनेट के द्वारा किया है। अब जो लोग मुद्रा योजना का लाभ ले रहे थे उन्हें उद्यम क्रांति का भी लाभ मिले। आईटीआई के क्षेत्र में भी प्रदेश में 6 नई आईटीआई की स्थापना करने का निर्णय आज कैबिनेट के द्वारा लिया है। ये सीहोर जिला के जबलपुर, कैमूर जिला कटनी, बिजावर जिला छतरपुर, जैरोन जिला निवाड़ी, रामकुंड नैकिन जिला सीधी, तिलगारा जिला धार में नवीन आईटीआई खोलने का प्रस्ताव था, वो आज कैबिनेट के द्वारा पारित किया गया है। नर्मदापुरम में नवीन तहसील खोलने का तय किया है कैबिनेट के द्वारा और इसके लिए 14 पद भी स्वीकृत आज किए गए हैं। नवीन तहसील एक सीधी में मड़वास का सृजन करने का कैबिनेट के द्वारा तय किया है और इसके लिए 20 पद स्वीकृत किए गए। जो निर्णय हुआ उसमें आज 4 नवीन महाविद्यालय खोलने का कैबिनेट ने मंजूरी दी है। 3 शासकीय महाविद्यालयों में नवीन संकाय की आज मंजूरी दी है। 3 शासकीय महाविद्यालयों में स्नातक स्तर के जो खोलने की अनुमति दी है और 6 शासकीय महाविद्यालयों में जो नवीन महाविद्यालय खुलने वाले हैं वो शासकीय विधि महाविद्यालय डिंडोरी, शासकीय महाविद्यालय नारायणगंज मंडला और शासकीय महाविद्यालय खिरकिया हरदा और शासकीय महाविद्यालय खड्डी सीढ़ी। जो नवीन संकाय का मैंने जिक्र किया है ये सतना में और सतना के ही रामनगर में और रायसेन में ये नवीन संकाय खुलेंगे और जो 3 कॉलेजों में नवीन विषय है वो सतना में संस्कृत, गृह विज्ञान, दर्शन साथ मनोविज्ञान, सतना के ही दूसरे में अर्थशास्त्र, भूगोल, संस्कृत, इतिहास और सतना के ही तीसरे में अमर पाटन में कंप्यूटर साइंस। ये छात्रों के हित में एक क्रांतिकारी निर्णय और महत्वपूर्ण निर्णय माननीय सीएम की घोषणाओं के बाद लिया गया।